भाव की है, सा दा अर्थ है हरियावल, वन दा भाव जंगल। जदों ये सारे जंगलों के हरियावल छा जाती उन्हों सावन कहें। सावन आया किवें? जदों जेठ ते हाड़ दियां धुप्पां करके गर्मी करके ये धरती जिहड़ी सड़ चुकी है, व्याकुल हो चुकी है, तपी हुई धरती रब दे अगे बेनती करती है। किहड़ी बेनती करती है? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहिंदे ने, कल मल होई मेदनी अरदास करे लिव लाए, सच्चे सुनिया कन दे धीरक देवै सहज सुभाए। जदों ये व्याकुल होई धरती रब दे अगे बेनती करती है कि रब जी सड़ चुकी हाँ, व्याकुल हो चुकी हाँ, तो अकाल पुरख वाहेगुरु ने भरोसा दे के इंद्रे नो फरमाया वुठा शैबर लाए। रब ने इंद्र नू कहा, मीह नू कहा, वरस जा इस व्याकुल हुई धरती दे उपर। भाव ये मनुख का हिरदा व्याकुल हो जाता है जदों अत की तपश, वकारा की तपश, त्रिश्ना की तपश पैंदी है, तो रब दे अगे बेनती करता है। अकाल पुरख वाहेगुरु गुरु नू कहिंदे ने इहदे हिरदे दे उपर जाके वरस जा। पर उहदे वरसन करके, गुरु वरसदा पिया है, वरसन दे करके भी कई दुखी हुंदे है ते कई सुखी हो जांदे है। कौन दुखी हुंदा है? महाराज कहिंदे, कहिंदे नानक सावन जे वसै चौं उमाहा होए, नागा मिरगा मच्छियां रसियां कर तन होए। जदों सावन वरसदा है चार जाणियां नू बड़ी प्रसन्नता है। किन्ना किन्ना नू? नागा नू, मिरगा दा पाव हिरन, रसियां कर तन होए, जिन्हां दे घर दे विच धन पदार्थ है वह सारे प्रसन्नता दे विच है। क्यों? उन्हां नू कुछ नवां मिल रहा, जिहड़े नाग मिट्टी दे विच तपी हुई मिट्टी ते रहिंदे सी उन्हां नू ठंडक महसूस होई, मछियां नू ठंड महसूस होई, मिरगा नू पानी मिलिया, वह सारे प्रसन्नता दे विच है। ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहिंदे चार नाराज भी हो जांदे है। पुछिया किहड़े? गुरदेव कहिंदे नानक सावन जे वसै चौं विछोड़ा होए, गाई पुत्तां निर्दना पंथी चाकर होए। गाई पुत्तां गावां दा पुत्तरां दे नालों विछोड़ा, भाव किसान जिहड़ा अपनी जमीन नूं वाहुण तुर पैंदा है। गाई पुत्तां निर्दना, जिन्हां दे घर विच धन पदार्थ नहीं है, सवेरे कमा के लियांदा शाम नूं खाण दा फिकर पै जांदा है, जदों उहनूं गरीब नूं दिहाड़ी नहीं मिली उह वी फिकर दे विच है, उहदे लई वी सावण किसे तरह का नहीं है, तो वह भी व्याकुल है, वह भी दुखी है। गाई पुत्ता निर्दना पंथी चाकर होए, एक राहगीर जिहदे रस्ते दे विच चिकड़ हो गया, एक ड्यूटी ते जाण वाला नौकरी करन वाला वह भी दुखी है, उहदे वास्ते सावण विछोड़े का कारण बनता पिया है। महाराज कहिंदे मीह पैंदा है, पर उह किहड़ी जमीन ते मीह पै रिहा है? जिवें दी जमीन ते मीह पैंदा है, जे वह किसी चंगी जमीन पर पै जाए तो हरियावल आ जाती है, जे किसी बंजर जमीन के उपर पै जाए तो सच है वह पिया होया मीह व्यर्थ चलिया जाता है। बाबा कबीर साहब कहिंदे, कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूम बेकार, जे किते बेकार जमीन के उपर जाके आकाश विचों पिया मीह डिग पिया तो सच वह व्यर्थ चलिया गया। इदा ही मनुख है, बिन संगत इं माण नहीं होए गई पठछार, इदा ही वह मनुख है जिहड़ा संगत तो बिना उहदा हिरदा जिहड़ा तपदा है उस पट्ठी की तरह तपदा, मन लो व्यर्थ चलिया गया। पर जदों उही जिहड़ी बूंद है वह बूंद उस जमीन ते पै जावे जिहड़ी जमीन उपजाऊ है, उहदे बारे बाबा कबीर साहब कहिंदे, कबीर निर्मल बूंद आकाश की, लीनी भूम मिलाए, वह बूंद आण के उस जमीन दे विच एकमिक हो गई। एकमिक हो गई उहदे विच ते उस जमीन विच ते बूंद विच कोई फर्क नहीं रह गया। मान लो वह हिरदा जिहदे ते आण के रब की रहमत वरसी, तो सच है वह हिरदा हरियावला हो गया, तो हरियावला होने की देर सी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहिंदे ने, नानक सावण वरसदा पिया है, तो वरसदे हुए सावण विच अपने भांडे नूं सीधा रख, जे भांडा पुठा है तो किसी काम नहीं आना। सतगुरु ने कहा, मन अंधे उंधे कवल, जिन्हां दे भांडे पुठे ओह किसी काम नहीं आते। पर गुरु गुरु सदा रहमतां दा मीह वरसाउंदा है, सतगुर सदा दयाल है भाई, विण भागा क्या पाई है, भागा तो बिना की प्राप्त होए, एक नदर कर वेखै सब उपर, जेहा पाओ तेहा फल पाईए, तेरी जिंदगी विच सावण आ जावे पर तां आएगा जदों तू अपने इस हिरदे नूं
अपने उपर बख्शिश लैण वास्ते तैयार कर लवें ते तेरे हिरदे दे विच सावन आण के बन सकदा है। जे तू नहीं बनाया ते फिर सच ए है जिवें सावन दे वरसन करके जवाह दा बूटा सुक जांदा है, रब दी रहमत दे रहमत ते पैंदी पई है, तू सुके दा सुका रह जाएगा।